मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आज हम बच्चों में यौन पीड़न को लेकर, यौन उत्पीड़न को लेकर एक बहुत अच्छी और बहुत उम्दा जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। आपका बच्चा कितना सुरक्षित है यह आप भी नहीं जानते, इसलिए बच्चे को गुड टच और बैड टच की तालीम देनी जरूरी है। हमें खासकर बच्चों के माँ और पिता को एक हिचकिचाहट रहती है कि बच्चों को कैसे समझाएं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए यह कदम हमारे बच्चे के साथ होने वाले बड़े और घिनौने अपराध यानी यौन उत्पीड़न से बचाया जा सकता है। तो जानते हैं बच्चों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से जुड़े कुछ अधिनियम जिसमें बदलाव किए गए हैं। यौन उत्पीड़न सबसे पहले क्या है यह हम देखेंगे, पॉस्को अधिनियम क्या है यह भी हम देखेंगे, उसके बाद पॉस्को अधिनियम से पहले का कानून और पॉस्को अधिनियम की विशेषताएं हम ये भी देखेंगे। यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न यानी किसी के मना करने के बावजूद उसे छूना, छूने की कोशिश करना, यौन संबंध बनाने की मांग करना, सेक्सुअल भाषा वाली टिप्पणी करना, पोर्नोग्राफी दिखाना या कहे अनकहे तरीके से बिना सहमति के सेक्सुअल बर्ताव करना यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसके लिए 3 साल जेल की सजा और जुर्माना का दंड भी हो सकता है। आप जानेंगे पॉस्को एक्ट क्या है। पॉस्को एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यह एक्ट 2012 में बनाया गया ताकि बच्चों में होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से बचाया जा सके, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती मेनका गांधी जी ने एक ड्राफ्ट बनाया। इस ड्राफ्ट में पोक्सो को लेकर बदलाव की बात कही गई, नए और सख्त कानून लाने की बात कही गई, ताकि गुनहगार इस तरह के अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। यह ड्राफ्ट भेजा गया लॉ मिनिस्ट्री के पास, लेकिन इस एक्ट में बदलाव होगे या नहीं यह फैसला कैबिनेट को करना था और प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्तक्षेप से इसमें सख्त कानून लाए गए और ऑर्डिनेंस पास किया गया। यह ऑर्डिनेंस पास हुआ है और यह अस्थाई रूप से कार्यरत रहेगा, स्थाई रूप से नहीं, फिर भी जब तक यह अस्थाई है तब तक यह लागू होगा। ऑर्डिनेंस के बाद जो बदलाव आए ये अब देखते हैं। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ, 12 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ रेप पर 20 साल की जेल, और जो कि बढ़कर उम्र कैद और मौत भी हो सकती है। 16 साल से कम उम्र के नाबालिग के साथ रेप पर 10 साल की सजा, जो कि बढ़कर 20 साल और उम्र कैद भी हो सकती है। 16 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिग के साथ रेप पर पहले 7 साल सजा होती थी, जो अब बढ़कर 10 साल कर दी गई है, जो उम्र कैद भी बन सकती है। रेप केस में अब जो वक्त, रेप केस में तफ्तीश के दौरान अब जो वक्त लिया जाएगा वह 2 महीने का होगा, यानी किसी भी तरह का रेप केस हो उस पर 2 महीने के भीतर जांच पूरी होगी ताकि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पर 16 साल से कम उम्र के नाबालिग पर रेप करने का आरोप मात्र हो तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, चाहे वह कोर्ट में दोषी हो या नहीं। इस नए कानून में सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ किए गए रेप पर ही मौत की सजा को प्रावधान है, यानी 12 साल से ज्यादा उम्र के लड़की से रेप पर यह सजा लागू नहीं होगी। एमएनएस न्यूज की टीम सारे पालकों से निवेदन करती है कि बच्चों से बात करें, उन्हें विश्वास दिलाए कि वह अपने मन की बात आपसे साझा कर सकता है। अगर बच्चा आपसे बात करने में सक्षम नहीं है या हिचकिचा रहा है तो यह यौन उत्पीड़न का कारण बन सकता है, उसका कोई भी फायदा उठा सकता है। बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाए, बच्चे के गतिविधियों और व्यवहार पर ध्यान रखें। बच्चा अगर अचानक खामोश, जिद्दी या आत्म केंद्रित हो जाता है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। बच्चों को उसके अंगों के बारे में बताएं। लड़कियों को बढ़ती उम्र के साथ उसके शारीरिक बदलाव और लड़कों को लड़कियों और उनमें फर्क के बारे में समझाएं।
और उसका सम्मान करना भी सिखाए। बच्चों को उन छोटे संकेतों के बारे में बताए जो यौन शोषण से बचने में सहायक हो, जैसे अकेले सुनसान जगह में जाने से बचना, चॉकलेट या दूसरे गिफ्ट की लालच से बचना, गिफ्ट की ऑफर या किसी पर भी मदद के लिए विश्वास करना। उन्हें यह भी समझाए कि खतरा बाहरी और अनजान लोगों से ही नहीं, अपने ही रिश्तेदारों से भी हो सकता है, तो दी गई जानकारी से सावधान रहे। आगे भी MNS न्यूज लाइव की पूरी टीम आपको जागरूक करते रहेगी। समाज में हुए समाज हित के कानून बदलाव को लेकर आपको जानकारी देती रहेगी। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।